नमस्कार दोस्तों, कैरेंट जॉब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ SSB कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन जो भर्ती जो दोस्तों आई थी 1522 पोस्ट पे, उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है दोस्तों, आपका फिजिकल में क्या क्या होगा और टेस्ट में क्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात करूँगा एडमिट कार्ड आपका कब आने वाला है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात करूँगा वेटनरी, जो वेटनरी वाले वैकेंसी आई थी दोस्तों, जो बहुत से बच्चे अप्लाई किए हैं, उसमें कौन सा सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है, उसके बारे में आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, जो भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा ले दोस्तों, कि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पहले 1522 पोस्ट पे क्या क्या होगा। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, क्या रनिंग रोड पे होगी या ग्राउंड में होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, रनिंग जो है आपका ग्राउंड में होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ग्राउंड में जगह नहीं मिलता है तब आपका रोड पे रनिंग होने वाला है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आपका ग्राउंड में रनिंग होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं 1522 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, ये 2020 का वैकेंसी है, ये आप लोग को भी पता होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों वेटनरी वाले का जो फिर से जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, वो फॉर्म जो है फिर से रीओपन हुआ था। ठीक है दोस्तों, और बहुत से बच्चे फिर से अप्लाई किए थे। ठीक है दोस्तों, और वेटनरी वाले में जो है दोस्तों क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक पास खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, और जो है उसमें स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट भी मांगा गया था। ठीक है उस समय, लेकिन जब फिर से रीओपन हुआ दोस्तों, उसके बाद जब फॉर्म फिर से भराया गया, उसके बाद जो है कोई इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। ओनली फॉर अगर आप 10th पास थे तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर, ड्राइवर वाले में जो है दोस्तों 574 सीट पर वैकेंसी आई थी। ठीक है दोस्तों, ड्राइवर वाले में 574 सीट पे वैकेंसी आई थी दोस्तों, और इसका एडमिट कार्ड भी आ गया था दोस्तों, और इसका फिजिकल भी कंप्लीट हो गया था। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि ट्रेडमैन का क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक फिजिकल नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कॉमेंट आप लोग ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं दोस्तों, ड्राइवर वाला का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, और ड्राइवर वाले का एक डेट भी निकल के आया था दोस्तों, 13 नवंबर। ठीक है, लेकिन ये डेट कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका भर्ती कैंसिल होगा या नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपका भर्ती जो है कैंसिल नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब फिजिकल में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिजिकल में जो पहला दोस्तों आपका हाइट लिया जाएगा, फिर आपका रनिंग होगा, फिर आपका चेस्ट होगा, फिर आपका वेट होगा। ठीक है, और सेकंड में क्या होगा, जब फिजिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों आपका रिटेन टेस्ट होगा। सेकेंड में आपका रिटेन टेस्ट होगा दोस्तों, फिर उसके बाद जो है आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मेरिट मेडिकल होगा, उसके बाद जो है आपका फाइनल मेरिट दिया जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका फिजिकल कितना होने वाला है। तो दोस्तों मेल की बात करूं तो आपका जो है 4800 मीटर आपका रनिंग होगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो है 24 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा दोस्तों मेल का, और फीमेल का जो है 1800 मीटर का रनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये फीमेल के लिए है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं कि आपका
फाइनल कब तक होने की संभावना है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे अनुसार से जो है 2023 में आपका फाइनल होने का संभावना है। 2023 में कब तक होने का संभावना है? तो नवंबर या दिसंबर तक आपका जो है फाइनल होने का संभावना है। ये मैं आपको एक अनुमान से बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसा वैकेंसी लेट हो रहा है उस अनुसार से जो है यही डेट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि नवंबर या दिसंबर में पूरी होने की संभावना, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ कि नवंबर या दिसंबर में आपका कंप्लीट वैकेंसी पूरा होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा ले दोस्तों, और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में नया अपडेट के साथ आते हैं दोस्तों।